अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों व्हाट्सएप से मुतालिक मुख्तलिफ वीडियोस बनाई थी जिनको आपने बहुत देखा और बहुत सराहा भी कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई थी उसने बहुत से लोगों को हेल्प किया। अब व्हाट्सएप ने एक और तंबीह जारी की है अपने सार्फिन के लिए कि जिससे उनके मोबाइल फोन्स हैक किए जा रहे थे। उन्होंने बताया है, उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है, वॉर्न किया है कि आपके मोबाइल फोन को हैक करने के लिए पूरे का पूरे मोबाइल फोन का जो डाटा है, जो कंट्रोल है, वो किसी और में हाथ किसी और के हाथ जाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा और खासतौर पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, जो हमें देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करते हो, मैसेजेस करने हो, पिक्चर्स वीडियोस शेयर करनी हो, व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करनी हो, व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। तो आपके व्हाट्सएप के जरिए आपके फोन का कंट्रोल हासिल करने की एक पूरी मुनज्जम कोशिश है जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। होगा क्या, व्हाट्सएप ने क्या तंबीह की है, आज के इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक ये अपडेट्स, ऐसी अपडेट्स पहुंचती रहें। एग्जैक्टली हुआ क्या, मेल ऑनलाइन के मुताबिक ये हैकिंग की जो वारदात है ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर हो रही है। फिलहाल आईफोन यूजर्स को इतना खतरा नहीं है, हालांकि मैसेज उनको भी जाता है, ट्राई उनको भी हो रही है कि उनका भी फोन हैक हो जाए, लेकिन जो अब तक ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है वो स्मार्टफोन्स जो एंड्रॉयड हैं उन पर हुई है। अच्छा, इन्हें कहा क्या जाता है, होता क्या, आप बैठे होंगे, आपके व्हाट्सएप की जो है वो टोन बजेगी, आपकी रिंग बजेगी, आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज पर लिखा होगा कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके इस लिंक पे क्लिक करें। समझ आ रही है आपको मेरी बात, एक आएगा आपको मैसेज, उसमें एक लिंक दिया गया होगा, कहा जाएगा आपको कि इस लिंक में क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट होंगे सीधा गूगल प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से आपको कहा जाएगा एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आपको यह लालच दिया जाएगा कि अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो फिर आप एक नया ब्रांड न्यू फोन या आईफोन या कुछ भी बड़ा फोन, उसका लालच दिया जाता है, आप वो जीत सकेंगे, आपका नाम लकी ड्रॉ में आ जाएगा। इस तरह से वारदात डाली जाती है। फिर क्या होता है आपको बताता हूं, लेकिन आपने सबसे पहले जो चीज आइडेंटिफाई करनी है, जो आपने पहचानना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है लोगों के माइंड में ना रहे, मैसेज आप कर आपको कोई ऐसा आए जिसमें आपको कहा जाए कि भैया आप इस लिंक पर क्लिक करें और आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें इस लिंक पर क्लिक करके, और फिर जब आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो हुजूर आप एक नया आईफोन जीतने के दौड़ में शामिल हो जाएंगे। नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे या जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ क्या होगा। अब आपने अगली बात बड़ी गौर से सुननी है। होगा ये दोस्तों कि जब आप ये एप्लीकेशन फोन के लालच में इंस्टॉल कर लेंगे तो उस एप्लीकेशन का जो नाम है वो होगा हुवावे मोबाइल। आप कहेंगे यार ये तो हुवावे की एप्लीकेशन है तो इसमें क्या मतलब हुवावे इज बिग कंपनी, इसमें डर किस बात का, तो बड़ी सेफ होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स किसे कहते हैं, एक ऐसी चीज जो आपको दिखाई कुछ और जा रही होती है उसके पीछे कुछ और होता है। फेस जो होता है, जो चेहरा होता है, वो हुवावे मोबाइल का होगा या आईफोन का होगा, लेकिन जो उसके पीछे प्रोग्रामिंग की गई होगी वो वायरस की प्रोग्रामिंग की गई होगी। मैं आपको बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में नहीं समझा रहा, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं कि दिखाया कुछ और जाएगा, चपेट कुछ और मारी जाएगी आपको, ठीक है, वो चपेट आपने नहीं खानी है। अब आपको होगा क्या, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, वो जैसे होता है ना डायरेक्ट रीडायरेक्ट करना, आपका वो लिंक जो है ना वो उठा के फौरन ले जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे एप्लीकेशन होगी हुवावे मोबाइल के हवाले से, आप होंगे वेरी सेफ वेरी गुड और हर चीज होगी उसमें, उसमें वो जो एक रिव्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो भी होंगे, स्टार भी मिले होंगे, सब कुछ मिला होगा उसको, लेकिन होगी वो फेक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जो पीछे प्रोग्राम बैठा हुआ है, उसके जो एल्गोरिथम उसका जो मौजूद है, जो प्रोग्रामिंग उस एप्लीकेशन में की गई है, वो फौरन आपके फोन में घुस जाएगी, आपके फोन, आपके पिक्चर्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, जो कुछ भी है ना, मतलब एक तरह से आपके फोन का कंट्रोल हासिल कर लेगी वो एप्लीकेशन। और फिर जो हैकर है वो जब चाहे आपके फोन को इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह मर्जी चाहे आपके फोन को इस्तेमाल कर सकता है। अगेन मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, ये व्हाट्सएप ने तंबीह जारी की है, ये मैं आपको एक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, ये सिर्फ गप गपोड़ा नहीं है कि बस गपे छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है, दिस इज
सीरियस एंड दिस इज रियलिटी, तो आपने सीरियस लेना है इसको, ठीक है जी। फिर क्या होगा, फिर जनाब अब आपको हाँ उसका उसके पास कंट्रोल जब चला जाएगा नाजरीन, तो फिर वो आपके फोन के साथ कुछ भी कर सकता है। आपने अवॉइड कैसे करना है उसको, फॉर द फोरमोस्ट थिंग जिसका आपने ख्याल रखना है, आपने अवॉइड उसको इस तरह करना है, याद रखिएगा यह मैं आइंदा के लिए आपको टिप दे रहा हूं, जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ना आपने, कोई भी ऐप आपने डाउनलोड करनी है, आपने डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाके वो डाउनलोड करनी है, कभी भी किसी के भेजे के, चाहे वो ईमेल हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या फेसबुक के अंदर मैसेंजर में या इंस्टा पे, कभी भी किसी के भेजे हुए लिंक पे क्लिक नहीं करना आपने। याद रखिएगा मेरी बात, आपका फोन आपका डाटा सेफ रहेगा। देखिए जो ये लिंक भेजते हैं ना भाई, नाम बता दो ना एप्लीकेशन का, मैं खुद कर लूंगा जाके, ऐसा नहीं होता। ये जो लिंक भेजते हैं ये काम खतरनाक होता है। आपने कभी भी किसी के भेज, और खास तौर पे ये जो लालच होता है, मुझे पिछले दिनों में देख रहा था इंस्टा पे जो है वो एक मुझे मैसेज आ रहा है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं करूंगा, शुगर लगाऊंगा जरा उसके साथ कि जी आपके 10 दिन रह गए हैं, आप ये हमारा इंस्टा, मैं इंस्टाग्राम से बात कर रहा हूं, मतलब बड़े प्रोफेशनल लैंग्वेज उस बंदे की, मैं इंस्टाग्राम से बात कर रहा हूं, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई करना है, तो आप ये फॉर्म फिल कर दें। अब उस फॉर्म में मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स उसने मांगी हुई है। फिर मुझे मैसेज आया 5 दिन रह गए वरना आपका इंस्टा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 5 दिन भी गुजर गए, मैं देखता रहा, वो जो 5 दिन गुजर गए वो जी डेट भी गुजर गई, हाँ उसका मैसेज हम आपका इंस्टा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, मैं इंस्टाग्राम से बात कर रहा हूँ ये वो। अब मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने जरा क्लास लेनी है उसकी कि मैं शुगर लगाऊंगा उसके साथ, लेकिन लेकिन उससे जो मुझे लिंक्स भेजे हुए हैं कि ये फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, अगर मैं क्लिक कर देता तो मेरा फोन भैया उसके हाथ में था, फिर वो जो है मर्जी चाहे मेरे फोन के साथ, मेरे डाटा के साथ, मेरे फेसबुक में घुस सकता था, मेरे ट्विटर में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप में, हर जगह घुस, तस्वीरों में, हर जगह घुस सकता था। आपने भी इसका ख्याल रखना है। और आखिर में जाते जाते मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी न्यूज देने जा रहा हूं, फिर आप कहेंगे कि वो कहते ना बूटा गला करदा होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है, उसकी वीडियो मैं अभी नहीं बना रहा, एक दो दिन में बनाऊंगा, थोड़ी रिसर्च कर रहा हूं उस पर। 1 लाख तस्वीर जो आप फेसबुक पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे, लड़कियां, मैं सिर्फ लड़कियों की बात करूं, लड़कों की बात कर ही नहीं रहा, 1 लाख लड़कियों की तस्वीर को एडिट करके, फोटोशॉप नहीं कहेंगे उसको, डीप फेक कहेंगे उसको, मैंने बहुत पहले उस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन जो अब ताजा इंकशाफ हुआ है कि 1 लाख आम लोग, आप मुझ जैसे लोग, उनकी तस्वीर को टेंपर करके क्या किया गया है उनके साथ, पूरे कपड़े पहने हुए थे लड़कियों ने, लेकिन क्या किया गया है उनके साथ, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आपने उस वीडियो को मिस नहीं करना, और वो तभी आप मिस नहीं कर पाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो मैं बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जनाब वीडियो आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 लाख तस्वीर लड़कियों की, आम नॉर्मल लड़कियां, बेचारी अच्छे घरों की लड़कियां, फेसबुक पे, ट्विटर पे उनकी तस्वीर थी, उनके साथ क्या किया गया है, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। और नाज़रीन अगर आपको इस वीडियो पर कमेंट देना हो, बात करनी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।